हाय गाइस, वेलकम बैक टू चेतना ट्रेशन क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको मैक्रम तोरण बनाना बता रही हूँ। आपने स्क्रीन पर तो देख ही लिया होगा कि डिज़ाइन क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मैक्रम के दो बंडल चाहिए। ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का मैक्रम है ये। गाइस, यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर के दो लच्छी ली है एंड ग्रीन कलर की यहाँ पर हमने एक लच्छी ली है। गाइस, हमने यहाँ पर तोरण को हैंग करने के लिए टू की चेन्स यूज़ करी हैं एंड एज यूजल लाइटर एंड सीजर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस तोरण को किस तरह से बनाते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 मीटर के कॉर्ड्स को कट कर लेना है। 2 कॉर्ड रहेंगे ऑरेंज कलर के एंड 2 कॉर्ड रहेंगे ग्रीन कलर के। इनका मेजरमेंट 5 मीटर है। गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉर्ड्स को बराबर कर लेना है एंड यहाँ पर हमको सिंपल नॉट बनानी है, मतलब गठान लगानी है एक। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ गठान। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ही सिंपल नॉट बना लिया है, गठान लगा ली है। अब हमें कॉर्ड्स को इक्वली डिवाइड कर लेना है। 2 ऑरेंज उधर साइड आएंगे, 2 ऑरेंज इधर एंड 2 ग्रीन उधर, तो 2 ग्रीन इधर। तो अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का आखिरी का कॉर्ड ले लेना है, लास्ट वाला, एंड सारे कॉर्ड्स को लेकर के हमें यहाँ पर पाइपिंग करनी है। एक बार हम पाइपिंग ऊपर से करेंगे और एक बार पाइपिंग हम नीचे से करेंगे। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने इस डिज़ाइन को बहुत ही स्लोली दिखाया है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम एक बार ऊपर की तरफ से लेंगे और एक बार हम नीचे की तरफ से पाइपिंग करेंगे। गाइस, यहाँ पर आपको टोटल 14 टाइम्स इस नॉट्स को कम्प्लीट करना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर 14 टाइम्स इस नॉट को कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसे ही हमें ये जो हमें पहले नॉट बनाई थी उसे हम खोल देंगे। अब जो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर 14 नॉट्स बनाई थी उसे कर्व शेप में कर लेना है। गाइस, आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर के जो कॉर्ड्स दिख रहे हैं उसको साइड कर लेना है दोनों तरफ के, और जो सेंटर के ऑरेंज कलर के कॉर्ड आ रहे हैं उसे आप ले लीजिए एंड टाइटली पाइपिंग करना है। जो ऊपर का कर्व आ रहा है उसे हमें जॉइन करना है। तो ये देखिए, थोड़ी सी टाइटली पाइपिंग करनी है यहाँ पर। ऑरेंज कलर के सेंटर के हमें 2 कॉर्ड्स ले लिए हैं एंड एक कॉर्ड को हमें 2 टाइम्स इसमें पाइपिंग करनी है। इसी तरह से गाइस हमें इधर साइड वाले सारे कॉर्ड्स को ऑरेंज वाले कॉर्ड में पाइपिंग करना है। ये देखिए गाइस, एक साइड की पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमें वैसे ही पाइपिंग इधर साइड भी करनी है। वही कॉर्ड ले लेंगे और कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। ये देखिए गाइस, दोनों तरफ की पाइपिंग हमने कर ली है। अब हमें एक्स्ट्रा कॉर्ड लेना है, मतलब कि 5 मीटर का कॉर्ड हम ले लेंगे ग्रीन कलर का, एंड ये वाले कॉर्ड में हमें नॉट बनाना है। इसे अटैच करते हुए एक नॉट बनानी है एंड गाइस, हम इसको अटैच करेंगे तो साइड के कॉर्ड को भी एक बार हम ऊपर की तरफ रैप कर लेंगे, पाइपिंग कर लेंगे इस कॉर्ड में। दोनों तरफ से हमें ऐसे ही एक बार पाइपिंग कर लेना है कॉर्ड को। गाइस, ये कॉर्ड की मेजरमेंट भी 5 मीटर है।
ऐसे ही हमें दूसरे साइड भी अटैच करना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ कॉर्ड्स को अटैच कर लिया है। अब हमें जो सेंटर के ऑरेंज कलर के टू कॉर्ड्स थे उसे पाइपिंग करनी है। पहले तो हम दोनों को साथ में पाइपिंग कर लेंगे एंड देन ये जो कॉर्ड इस तरफ आ रहा है इससे भी हम सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए एक 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 कॉर्ड को हमें लेना है और पाइपिंग करते जाना है। ये देखिए गाइस इस तरफ की पाइपिंग हो जाने के बाद वही ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स हैं, इस तरफ की भी पाइपिंग करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ की पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब गाइस हमें यहाँ पर ये वाले दो ऑरेंज कलर के कॉर्ड लेने हैं और इन दोनों को क्रॉस करके आपस में पाइपिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हम एक कॉर्ड को डबल टाइम पाइपिंग कर रहे हैं। इसमें अब आपको यहाँ पर कॉर्ड को एक क्रॉस कर लेना है और फिर से पाइपिंग करनी है वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे ही हम दोनों साइड पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर के कॉर्ड में ब्लू कलर का बीट डालना है। सेंटर के टू कॉर्ड हम ले लेंगे। अब गाइस यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर का एक कॉर्ड लेना है और सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग करना है। हमें पाइपिंग को उधर के साइड लेकर के जाना है तो आप इस तरह से पाइपिंग कीजिए। ये देखिए हमें यहाँ पर जो बीट वाला कॉर्ड है उसका एक कॉर्ड हमें इधर साइड वाली पाइपिंग में करना है और एक कॉर्ड उधर साइड वाली पाइपिंग में करना है। इसी तरह से हमें दूसरे वाली तरफ भी करना है। ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब इधर साइड वाली पाइपिंग में भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने उधर साइड किया है। ये जो कॉर्ड हम ऑरेंज वाला रह गया था मतलब छोड़ा था हमने उसको लेना है और सारे कॉर्ड्स को सेकंड बार पाइपिंग कर लेना है। ये देखिए गाइस दोनों तरफ की पाइपिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अभी जो सेंटर के कॉर्ड्स आ रहे हैं ऑरेंज वाले उसको भी हम पाइपिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला हम ऑरेंज कलर का कॉर्ड ले लेंगे एंड सेकंड ऑरेंज कलर का कॉर्ड उसके साइड वाले लेकर के हम पाइपिंग कर देंगे। दोनों को अब हमें ज्वाइन करना है तो दोनों कॉर्ड्स को हम ले लेंगे और पाइपिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम नीचे वाले कॉर्ड को ले लेंगे और उसी कॉर्ड में पाइपिंग कर लेंगे। अब गाइस हमें ऐसे ही सेकेंड टाइम पाइपिंग करनी है तो ये वाला कॉर्ड हम ले लेंगे एंड इससे कॉर्ड से हम बाकी के टू ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेंगे।
ये देखिए गाइस, हमारी तोरण के पट्टे की पहली एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड वाली प्रोसेस कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये ग्रीन कलर के कॉर्ड्स हमें ले लेने हैं और क्रॉस करके हमें इसमें पाइपिंग करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर पाइपिंग करना है। ऐसे ही हम बाकी के जो दो कॉर्ड बचे हुए हैं उसको भी इस पर पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ पर पाइपिंग को वी शेप में लेकर के आना है, मतलब नीचे की तरह वी शेप में लाना है। तो थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए और फिर पाइपिंग कीजिए। ये देखिए गाइस, एक बार पाइपिंग हो जाने के बाद हम वो वाले कॉर्ड को वापस से उसी तरफ मोड़ देंगे और सारे कॉर्ड्स को उस पर पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैं वही वाला कॉर्ड यहाँ पर ले रही हूँ और राउंड करके उसे उसी तरफ पाइपिंग करना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर सारे ग्रीन कलर के कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लिया है। अभी जो ऑरेंज कलर का कॉर्ड है उससे हम पाइपिंग करेंगे। तो जो नीचे सारे ग्रीन कलर के कॉर्ड्स आ रहे थे उससे हमें लेकर के ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स पे पाइपिंग करनी है। इसे भी हमें नीचे की तरफ पाइपिंग करनी है तो थोड़ा सा गैप आएगा कॉर्ड्स में। ये देखिए, इस तरह से हमें सेकेंड बार पाइपिंग भी करनी है। एक ऑरेंज कलर का कॉर्ड लेकर के सारे कॉर्ड्स को उस पर पाइपिंग कर लेना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर पाइपिंग कंप्लीट कर ली है एंड इसी तरह से हम सेकेंड साइड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ की पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे मैंने ऊपर की तरफ बताया था। ऑरेंज कलर के कॉर्ड को लेना है एंड पाइपिंग करना है। सेंटर के टू कॉर्ड्स में हमें बीट डालना है ब्लू कलर का एंड ऑरेंज कलर के कॉर्ड को लेकर के हम इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। एक बार इस तरफ से एंड एक बार इस तरफ से हमें पाइपिंग कर लेना है कॉर्ड्स को। इसी तरह से हमें दोनों तरफ की पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है एंड एक कॉर्ड को लेकर के हमें सारे ग्रीन कलर के कॉर्ड्स पर पाइपिंग करना है। वैसे ही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको ऊपर बताई थी। ये देखिए गाइस, इसकी तरफ से हमें पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है, आगे बढ़ाते जाना है ऐसे ही।
ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। एंड इसमें जो बीट्स वाले मैं आपको बता दे रही हूँ, ये 14 बीट्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। 14 टाइम से डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। अब गाइस हमें यहाँ पर कॉर्ड्स को अटैच करना है, तो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर के ऑरेंज कलर के कॉर्ड ले लिए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो आगे के 2 बीट वाली डिज़ाइन है जिसमें हमने बीट डाला है वो छोड़ देना है। तीसरे वाली बीट वाली डिज़ाइन में हमें यहाँ पर जो येलो कलर का दिख रहा है यहाँ पर हमें कॉर्ड अटैच करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इस कॉर्ड में हमें, इस लाइन में हमें कॉर्ड्स को अटैच करना है। सारे कॉर्ड्स के मेज़रमेंट 2.5 मीटर है। ये देखिए एक कॉर्ड अटैच हो जाने के बाद हमें यहाँ पर सेकंड येलो कलर के लूप में कॉर्ड को अटैच करना है। इसी तरह से कॉर्ड्स को अटैच करते जाना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर के लूप में कॉर्ड को अटैच कर रहे हैं। इसी तरह से गाइस आपको कॉर्ड्स को अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमें पहले डिज़ाइन बनाने के लिए टोटल 12 कॉर्ड्स चाहिए। एंड अब हमें यहाँ पर 2-2 कॉर्ड्स को लेकर के सिंपल नॉट बना लेना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर सिंपल नॉट्स बना लिए सारे कॉर्ड्स में। अब लास्ट के जो कॉर्ड्स के नॉट है वो हम छोड़ देंगे एंड सेंटर के ये वाले 4 कॉर्ड्स ले लेंगे और सिंपल नॉट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इधर साइड भी कंप्लीट करना है, वो वाला कॉर्ड भी हमने छोड़ दिया है। एंड सेंटर के 2 कॉर्ड्स को लेकर के हमें यहाँ पर सिंपल नॉट बनानी है। अब गाइस आपको यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का कॉर्ड ले लेना है एंड सारे कॉर्ड्स को हमें इस पर पाइपिंग करना है, जो हमने बाहर नॉट के कॉर्ड्स छोड़ दिए थे उससे लेकर के हमें इस तरह से सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेना है। ये डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है तो आप इसे ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल स्लोली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और गाइस नीचे एक लाइक का बटन है, उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिए। गाइस लाइक के बटन के साइड में सब्सक्राइब बटन भी है, उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। एंड बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहूँगी। अब गाइस आप एक बार पाइपिंग हो जाने के बाद हमें सेकंड कॉर्ड को ले लेना है और उसी तरीके से पाइपिंग करनी है जैसे हमने पहले करी थी, लेकिन ये वाली जो पाइपिंग जाएगी वो उधर साइड जाएगी। ये देखिए इसी तरीके से पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर के 2 कॉर्ड्स को ले लेना है सेंटर के, और इसमें ग्रीन कलर के बीट्स को अटैच करना है। एंड अब गाइस हमें यहाँ पर साइड के ये कॉर्ड ले लेने हैं ऑरेंज कलर के एंड इस पर पाइपिंग कर लेना है। ऐसे ही हमको यहाँ पर सेकंड तरफ भी कंप्लीट करना है। पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सेंटर के जो ऑरेंज कलर के 2 कॉर्ड्स आ रहे हैं उसे भी हम पाइपिंग कर लेंगे। इसी तरह से गाइस आपको यहां पर आगे की प्रोसेस कंप्लीट करना है।
मैंने कॉर्ड्स को डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर के कॉर्ड से सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग करना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर पहली लेयर कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन की। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर सेकंड टाइम भी कंप्लीट करना है, तो सेंटर के 2 कॉर्ड्स हम ले लेते हैं ऑरेंज वाले, एंड ऐसे ही पाइपिंग करनी जैसे हमने ऊपर की तरफ करी थी।
ये देखिए गाइस, आई होप कि आपको ये डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। यहाँ पर मैंने ये लेयर को कंप्लीट कर लिया है। अभी जो कॉर्ड है एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, दोनों डिज़ाइंस के बीच में हमें यहाँ पर कॉर्ड को अटैच करना है। हमने ऊपर की तरफ अटैच किया था एंड एक कॉर्ड को हम नीचे वाले लूप में अटैच करेंगे। इसका मेजरमेंट भी 2.5 है। अभी हमें यहाँ पर ऊपर वाले ऑरेंज कॉर्ड को लेना है और नीचे की तरफ पाइपिंग करते जाना है सारे कॉर्ड्स को लेकर के। ये देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ी टाइटली पाइपिंग करना है। हमने यहाँ पर दोनों साइड कॉर्ड को अटैच किया है तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर तक पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा कॉर्ड्स चाहिए जो आपके पास कतरन में पड़े होंगे। कोई भी आप कॉर्ड्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक कलर का कॉर्ड और ग्रीन कलर का कॉर्ड ले लिया है एंड इसे यहाँ पर हम ऊपर की तरफ ज्वाइन करेंगे नॉट बना करके। ये वाले कॉर्ड का मेजरमेंट भी 2.5 है। नीचे जितने भी कॉर्ड्स हम लगा रहे हैं उसका सारा मेजरमेंट 2.5 है। तो अब हमें ले लेना है यहाँ पर कॉर्ड्स को। इन कॉर्ड्स को हमें आपस में स्टिक कर लेना है, ये देखिए, और उसी ज्वाइंट पे से हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ कॉर्ड को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर ये लूप में कॉर्ड को अटैच कर रही हूँ। ये जो ऊपर ग्रीन कलर का लूप आ रहा है उसमें ये देखिए, ऊपर यहाँ पर मैंने कॉर्ड को अटैच कर लिया है। अब हमें ऑरेंज कलर के कॉर्ड को लेकर के सारे कॉर्ड पे पाइपिंग करनी है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के कॉर्ड से पाइपिंग कर लिया है एंड अब यहाँ पर पिंक कलर के कॉर्ड से पाइपिंग किया है। इसी तरह से गाइस हमें नीचे की तरफ पाइपिंग करते जाना है, ये कॉर्ड को लेते जाना है, ऑरेंज कलर के कॉर्ड पे पाइपिंग करते जाना है। ये देखिए गाइस, मैंने ऊपर तक पाइपिंग को कंप्लीट कर ली है एंड सारे ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स को बाहर साइड ले आई हूँ। अब हमें इन कॉर्ड्स को ऊपर की तरफ लूप में डालना है, पीछे की तरफ नॉट बना करके वहीं पर हम इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए, पीछे की तरफ नॉट आपको थोड़ी सी टाइट लगाना है ताकि ये कॉर्ड खुले नहीं, और स्टिक करते टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा स्टिक करके इसे वहीं की वहीं अटैच कर लेना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर का सबसे पहला वाला कॉर्ड ले लेना है एंड सारे कॉर्ड्स को इस पर पाइपिंग करना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर सारे ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लिया है। अब हमें नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाना है तो इसमें हम सबसे पहले ऑरेंज कलर का कॉर्ड ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम ब्लू कलर का मटका बीट अटैच करेंगे एंड फर्स्ट वाला ऑरेंज कलर का कॉर्ड लेकर के हमें पाइपिंग करना है। इसी तरह से गाइस हमें आगे भी पाइपिंग करना है। पहले जो हम पहले डिज़ाइन बना रहे हैं कर्व वाली, उसमें
तीन कॉर्ड्स आएंगे, ये देखिए सेकंड कॉर्ड एंड ये वाला थर्ड कॉर्ड, इसको पाइपिंग कर देंगे और वो वाला ऊपर कॉर्ड हम वैसे के वैसे छोड़ देंगे। एंड अब हमें सेकंड वाले डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है, तो पहला वाला कॉर्ड ले लेंगे ऊपर वाले डिज़ाइन का और इसमें हम यहाँ पर बीट अटैच करेंगे। अब हमें ये वाले कॉर्ड को तो छोड़ देना है और ये उसके साइड वाला ऑरेंज कलर का कॉर्ड ले करके पूरे कॉर्ड में पाइपिंग करना है। यहाँ पर तीन तीन कॉर्ड आएंगे एक डिज़ाइन में, थोड़ी सी ऊपर की तरफ हमें टाइट पाइपिंग करना है और ऊपर वाले कॉर्ड जिस पे हम पाइपिंग कर रहे हैं उसको ऊपर की तरफ छोड़ देना है। इसी तरह से हमें ये वाला कॉर्ड भी छोड़ देना है नीचे की तरफ और एक कॉर्ड ऊपर की तरफ छोड़ देना है। अब हमें ये वाले कॉर्ड में हम फिर से बीट डालेंगे एंड ऐसे ही प्रोसेस आगे तक चलती जाएगी। गाइस हमने जो यहाँ पर ऊपर ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स को छोड़ा था उसे हमें नीचे की तरफ निकालना है। जो गैप दिख रहा होगा आपके दो डिज़ाइंस के बीच में, वहाँ पर से हमें नीचे की तरफ निकाल लेना है कॉर्ड्स को। गाइस आपको दोनों साइड यहाँ पर चार चार डिज़ाइंस कंप्लीट करनी है, यानी कि फोर फोर बीट्स यूज़ करके आपको डिज़ाइन दोनों तरफ कंप्लीट करना है। अब जो बीच के सेंटर के कॉर्ड्स आ रहे हैं हम उनको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एंड कॉर्ड्स को लेकर के हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। अभी हम पहला वाला कॉर्ड ले लेते हैं ऑरेंज कलर का हाफ हाफ करने के बाद एंड सारे कॉर्ड्स को ऑरेंज वाले कॉर्ड पे पाइपिंग करते हैं। हमको पाइपिंग नीचे की तरफ से करना है, मतलब कि हमें वी शेप नीचे की तरफ लेके आना है, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से पाइपिंग करना है ढीली। इसी तरह से गाइस हमें पाइपिंग दूसरी साइड भी करना है। ये देखिए गाइस दोनों तरफ की पाइपिंग हो जाने के बाद अब हमें सेकंड लेयर पाइपिंग की कंप्लीट करना है। तो हम नेक्स्ट ऑरेंज कलर का कॉर्ड ले लेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के हमें यहाँ पे पाइपिंग करना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के हमें पाइपिंग करना है, टाइट पाइपिंग नहीं करनी है। अब जो ऊपर वाला कॉर्ड था ऑरेंज कलर का उसमें हम यहाँ पर ब्लू कलर का बीट डालेंगे, नीचे वाले कॉर्ड्स को भी हम इसमें लेकर के पाइपिंग कर देंगे। इसी तरह से हम सेकंड साइड भी कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट प्रोसेस भी हम ऐसे ही करेंगे, थोड़ी डिस्टेंस लेकर के पाइपिंग करते जाएंगे एंड बीट डाल करके वो वाले ऊपर वाले कॉर्ड को भी नीचे वाले कॉर्ड में पाइपिंग कर देंगे।
ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ की पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग यहाँ पर सेंटर के 2 कॉर्ड्स को ले लेंगे और इसमें एक बीट डालेंगे ब्लू कलर का। ब्लू कलर के बीट्स को डालने के बाद हमें यहाँ पर कॉर्ड्स को ले लेना है। साइड के कॉर्ड को ले लेंगे और सेंटर के कॉर्ड को लेकर के सिंपल नॉट बनाना है टाइट। एंड ये वाली जो सिंपल नॉट है वो थोड़ी सी मोटी बनेगी। इस तरह से हमें इसमें सिंपल नॉट बना लेना है। सिंपल नॉट बना लेने के बाद नीचे से थोड़े से कॉर्ड्स को खींच लीजिएगा ताकि ऊपर से वो बिल्कुल इक्वली अरेंज हो जाए। अब गाइस, हमें यहाँ पर सेंटर के 2 कॉर्ड्स को लेना है एंड बीट अटैच करना है ब्लू कलर का। ये देखिए, मैं यहाँ पर ब्लू कलर का बीट अटैच कर रही हूँ। एंड हमें अब नीचे की तरफ से डिज़ाइन बनानी है, मतलब ये जो लीफ के शेप में आएगी ये डिज़ाइन नीचे। तो हमें सबसे पहले तो डिवाइड कर लेना है सारे कॉर्ड्स को इक्वली। एंड जो ऊपर वाला ऑरेंज कलर का कॉर्ड था उसको हम लेकर के सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं वी शेप नीचे भी लेके आ गई हूँ, मतलब कि ये जो डिज़ाइन है वो लीफ के शेप में आ चुकी है। अब जो सेंटर के 2 कॉर्ड्स थे उसको भी हमने साथ में पाइपिंग कर दिया है। अब गाइस, हमें यहाँ पर बेल अटैच करना है। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। बेल अटैच करने के लिए अब थोड़ी डिस्टेंस पर कॉर्ड को कट कर लीजिए दोनों तरफ के, एंड उसमें बेल अटैच करना है हमें। गाइस, हमें यहाँ पर बेल्स 2 तरह के की अटैच करना है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, एक ग्रीन कलर की बेल और एक ब्लू कलर की बेल। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक ग्रीन कलर की बेल लगाएंगे, देन सेकंड कॉर्ड में ब्लू कलर की, फिर हम ग्रीन कलर की, फिर ब्लू कलर की, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें यहाँ पर बेल को अटैच करना है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर तीनों डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। आप चाहे तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो ऊपर का जो हमने पट्टा बनाया था इसका, तो उसको आपको आगे और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने नीचे की तरफ सारी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। आपको कैसी लग रही है ये डिज़ाइन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड जो 2 लीफ के बीच में जो गैप दिख रहा है, एक जो येलो कलर की नॉट दिख रही है आपको, उसमें हमें कॉर्ड को अटैच करना है। तो ये जो लूप दिख रहा है हमें ग्रीन कलर का, यहाँ पर हम येलो कलर का कॉर्ड अटैच करेंगे। अभी डिज़ाइन ख़त्म नहीं हुई है गाइस, तो आप अभी और आगे देखिए एंड पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। इस कॉर्ड में हमें यहाँ पर, आप कोई भी कतरन ले सकते हैं, जैसे नीचे से जो कतरन बची होगी जब आपने बेल लगाया होगा वही वाली आप कॉर्ड इसमें यूज़ कर लीजिए। एंड यहाँ पर कॉर्ड अटैच करने के बाद हमें टोटल यहाँ पर 8 बीट्स यूज़ कर रहे हैं ग्रीन कलर के। एंड टाइट करके आपको ये वाले नॉट में, ये वाले लूप में डालकर पीछे से स्टिक कर लेना है इसको।
अब गाइस हमें यहाँ पर रेड कलर के बीट्स यूज़ करना है। आप कोई भी कलर के यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे एंड ये वाले अवेलेबल थे, तो मैंने रेड कलर के बीट्स इसमें अटैच कर लिए हैं। आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 9 बीट्स इसमें डाल लिए हैं। अब गाइस हमें यहाँ पर ब्लू कलर के बीट्स को अटैच करना है। एंड गाइस आप यहाँ पर कोई भी कलर की बेल एक ले लीजिए, क्योंकि हमें सेंटर में लगाना है। या तो आप रेड कलर की ले सकते हैं, पिंक कलर की ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। एंड 5 सबसे पहले आप ब्लू कलर के बीट्स डालिए, उसके बाद फिर एक बेल, फिर 5 बीट्स। ऐसे ही 10 बीट्स हमने नेक्स्ट वाली लाइन में डाले हैं। और अब हमें इस कॉर्ड को टाइटली ये कॉर्ड लूप में अटैच कर लेना है। सो गाइस इतनी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें इस डिज़ाइन को पैक करना है। तो पैक करने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स को कट कर दे रही हूँ। दोनों साइड के हमें ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स को कट कर देना है। एंड जो सेंटर के कॉर्ड्स हैं उसको भी हमें कट कर लेना है। गाइस हमें यहाँ पर सिर्फ सेंटर के 2 ग्रीन कलर के कॉर्ड्स को ही एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि हमने उधर साइड भी ग्रीन कलर का ही लूप बनाया था। बाकी सारे कॉर्ड्स को आप पीछे की तरफ स्ट्रक कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर 2 जो ग्रीन कलर का कॉर्ड है उसे वैसे ही डिज़ाइन बनाना है, वैसे ही लूप बनाना है जैसे हमने उधर साइड बनाया था। एक कॉर्ड को इधर साइड से पाइपिंग करना है एंड देन एक कॉर्ड को इधर साइड से पाइपिंग करना है, इसी तरह से जैसे हमने उधर से उतनी ही बार हमें पाइपिंग करना है जैसे हमने उधर किया था। ये देखिए पाइपिंग हो जाने के बाद हमें यहाँ पर इसे कर्व शेप में लेके आना है, राउंड शेप में लेके आना है। तो हम उसी कॉर्ड को वहीं से ही नीचे की तरफ निकाल लेंगे ताकि ये गोल घूम जाए। ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा टाइट कर रहे हैं इसको। आपको यहाँ पर तो ये टाइट पाइपिंग करना है, पीछे की साइड इसमें नॉट बनाइए ताकि वो निकले नहीं। थोड़ी 2-3 बार कर लीजिए तो वो निकलेगा नहीं। और जब आप इसे कट करके स्टिक करेंगे वहीं पर तो थोड़ा सा
ज़्यादा मेल्ट करके सिर्फ वहाँ पर अटैच कीजिए तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर साइड में जो मैंने आपको पहले लूप छुड़वाए थे उसमें डिज़ाइन बनाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये लूप ले लेते हैं यहाँ पर और ऑरेंज कलर के कॉर्ड को लेकर के सिंपल नॉट बना लेते हैं। पहले तो गाइस हमें यहाँ पर इस कॉर्ड में ब्लू कलर के बीड्स को अटैच करना है। टोटल यहाँ पर हम एट बीड्स को यूज़ करेंगे। एंड अब हमें यहाँ पर उसको थोड़ा सा टाइट करते हुए बेल को अटैच करना है। ग्रीन कलर की बेल को हम अटैच करेंगे और नीचे की तरफ इसको स्टिक कर देंगे कट करके। अब गाइस हमें यहाँ पर एक और कॉर्ड ले लेना है ग्रीन कलर का और उसी के साइड वाले लूप में हमें कॉर्ड को अटैच करना है। पीछे की तरफ आप कट करके स्टिक कर दीजिए। एंड हमें यहाँ पर भी ब्लू कलर के कॉर्ड्स को ब्लू कलर की बीड्स को ही अटैच करना है। यहाँ पर हम टोटल 11 बीड्स को अटैच करेंगे एंड देन इसमें भी हम नीचे की तरफ बेल लगा कर इसको स्टिक कर देंगे। ये देखिए गाइस हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन कंप्लीट कर दी है। ये तोरण की डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो पे शेयर ज़रूर करें। गाइस अगर आप ये तोरण परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। मैं आपसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करूंगी और ये तोरण आप तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।